हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र शर्मा। आज हम त्राटक के बारे में चर्चा करते हैं। त्राटक क्या है, उसके क्या फायदे हैं और इसका वर्णन कहाँ पर किया है। त्राटक का वर्णन महर्षि गिरण ने अपनी गिरण संहिता में हठ योग में किया है। हठ योग को उन्होंने 7 भागों में बांटा है, जिसमें से पहले अध्याय में उन्होंने शुद्धिकरण क्रियाएं बताई है। 6 शुद्धिकरण क्रियाओं में से एक त्राटक भी है। तो जानते हैं त्राटक के क्या फायदे हैं। अगर हम त्राटक को करते हैं तो इससे हम किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। त्राटक करने के बाद हमारी कंसंट्रेट पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है और हमारी नेत्रों की ज्योति बहुत अधिक बढ़ जाती है। त्राटक की क्रिया ऐसी है, यह किसी को बतानी नहीं चाहिए, यह बहुत ही गोपनीय क्रिया है। इसको क्रिया को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। आइए जानते हैं त्राटक करने की विधि क्या है। त्राटक करने की विधि है, हमें किसी अंधेरे कमरे में जा करके किसी एक उजाले की तरफ एक अटक अटक लगा कर देखना है। जैसे हम एक कमरे में बैठ के एक मोमबत्ती जलाकर उसके सामने देखते रहे हों, बिल्कुल हमारे आंखों के सामने होनी चाहिए। और इसको हम जब तक देखते हैं जब तक हमारी आंखों से पानी नहीं आ जाता, बीच में हमें पलके नहीं झपकानी है। और यह क्रिया 5 से 6 बार करनी है। जब तक हम 10 या 12 मिनट तक बिना पलक झपकाए यह क्रिया नहीं करते, तब तक हम त्राटक में अच्छी तरह कामयाब नहीं होते। इसलिए हमें त्राटक अभ्यास डेली करना चाहिए, इससे हमारी कंसंट्रेट पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है।